Assalamu alaikum. My name is Professor Shabnam Shamim Asim. I am working in Karachi Medical and Dental College. And आज हम अपनी junior doctors, post graduates और house officers के लिए एक video record कर रहे हैं from the platform of Semi Pharma. Thanks to Semi Pharmaceutical Company, जो कि इतना ज़्यादा post graduate studies में help करते हैं. So this video will tell you all about कि when a patient of मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स कम इन योर क्लिनिक तो आपको क्या करना चाहिए. किताबें तो हम बहुत पढ़ते हैं, असल चीज़ होती है लिंकिंग थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड दैट इज़ वॉट वी मीन टू डू. सो विल गो थ्रू थ्योरी क्विकली. इट्स अ शॉर्ट वीडियो, नॉट वेरी मच. सो विल गो थ्रू द थ्योरी क्विकली एंड लिंक द थ्योरी टू द प्रैक्टिकल. तो सबसे पहले आप ये इमेजिन करें, जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स, पीजीज हैं, कि आप अपने क्लिनिक में बैठी हुई हैं और एक खातून आती हैं जो कि पेरीमेनोपॉजल एज की हैं, से 45, एंड शी इज़ कमिंग विद सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज. तो हाउ वुड यू प्रोसीड, हाउ वुड यू नो दैट शी हैज़ मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड हाउ विल यू मैनेज. इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं. दिस इज़ मेनोपॉज इन एचआरटी की प्रेजेंटेशन. सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि व्हाट इज़ क्लाइमैक्टिक एंड व्हाट इज़ मेनोपॉज. क्लाइमैक्टिक, जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, इट इज़ द एजिंग प्रोसेस ऑफ वुमेन एंड इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एज टू अ नॉन रिप्रोडक्टिव एज. दिस क्लाइमैक्टिक इज जस्ट बिफोर मेनोपॉज. द मीन मेनोपॉजल एज इन पाकिस्तान इज 45 to 55 एंड द एवरेज इज 45 to 55 एंड मीन इज 51. अच्छा, अब इसमें जो 51 ईयर्स है, इससे 5-10 साल पहले, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स बिफोर द पेरीमेनोपॉजल और क्लाइमैक्टिक सिम्टम्स बिगिन. तो यू एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अ हाउस ऑफिसर, एज अ पोस्ट ग्रेजुएट, व्हेन यू आर डूइंग क्लिनिक ऑन योर ओन, ईदर इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और इन योर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स और इन एनी हॉस्पिटल, यू शुड बी एबल टू identify that this woman, the symptoms of this woman fall into the category of a perimenopausal symptoms. इसलिए कि वो symptoms बहुत overlap करते हैं psychosomatic symptoms से, vague symptoms से. तो we'll go through the symptoms and then we'll let you know how to link their theoretical knowledge with the practical application. This is the life expectancy of the patients in menopause. आपकी patient आजकल menopause में बहुत सारा time गुजार रही है, इसलिए important है कि आप इन patients को पहचानें और उनको treat करें, वरना उनकी quality of life बहुत hampered हो जाती है. Menopause 3 किस्म का होता है, premature, surgical and natural. So when a patient comes to you, when you ask the history, आप पहली चीज़ ये पूछते हैं, ख़वातीन में कुछ भी problem हो, चाहे आप male doctor हो चाहे female हो, ख़वातीन में menstrual history की अपनी importance होती है, चाहे वो टॉपिक डायग्नोज करने के लिए हो या किसी और किस्म की प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. तो वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इज हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. सो यू आस्क हर कि आपको लास्ट पीरियड्स कब आए थे, एंड इफ़ शी सेज कि शी डज नॉट हैव पीरियड्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, देन यू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ प्रोफेशनल डायग्नोसिस ऑफ क्वेरीमेनोपॉज. कन्फर्म डायग्नोसिस उस वक्त होता है जब शी मिसेज हर पीरियड्स फॉर फुल 1 ईयर. लेकिन 1 ईयर से पहले आप उसको एज सेकेंडरी एमेनोरिया ट्रीट करते हैं, और 1 ईयर जब पूरा मीनोपॉज, 1 ईयर जब पूरे पीरियड्स नहीं आते, देन वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ मीनोपॉज. फिर हम कुछ सवाल ये पूछते हैं पेशेंट की एज. अगर उसकी एज 45 से कम है और उसको 1 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं और आपने जो टेस्ट करवा के कन्फर्म किया, देन यू लेबल हर एज प्रीमेच्योर मीनोपॉज, दैट इज़ बिफोर द ईयर ऑफ 40. सर्जिकल मेनोपॉज, आप उसकी हिस्ट्री में पूछते हैं कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है. जब भी वो एमेनोरिया की हिस्ट्री देती है, आप उसे सर्जरी की हिस्ट्री पूछते हैं, एंड इफ़ शी टेल्स यू दैट हाँ उसका ऑपरेशन हुआ है, ओवरीज रिमूव हुई है, दैट सर्जिकल मेनोपॉज एंड देन द नेचुरल मेनोपॉज. टारगेट ऑल विद ऑफ एस्ट्रोजन. देखिए, मेनोपॉज जब होता है तो सारे बेसिकली जो मेनोपॉज में प्रॉब्लम होता है, यूर डॉक्टर्स यू ऑल नो कि मीनोपॉज इज लैक ऑफ एस्ट्रोजन. इट्स एन हार्मोनल इम्बैलेंस व्हेन द ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग द एस्ट्रोजन हार्मोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द और डिप्लीशन ऑफ ऑल द ओवर्स, जो कि अ गर्ल इज बॉर्न व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न विद एंड शी लूजेज ईच ओवर, ईच साइकिल शी लूजेज अबाउट 10 to 12 ओवर. सो बाय द ईयर 40 शी लूजेज ऑलमोस्ट ऑल हर ओवर. तो ईस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म होने की वजह से
इन सारे ऑर्गन पे, इन सारे टारगेट ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। और जो पेशेंट आपके पास वॉक इन करेगी वो बोन पेन से भी कर सकती है, यूरोजेनाइटल यूटीआई से, वेजोमोटर डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, सेल्फ पिटी, क्राइंग स्पेल्स, हार्ट में ब्लड प्रेशर, आईज, टीथ, ब्रेस्ट, कोलन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, किसी भी कंप्लेन से आ सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे जूनियर डॉक्टर्स की कि मीनोपॉजल सिम्टम्स जिस औरत को होंगे या मीनोपॉज के कोई भी प्रॉब्लम्स लेके वो आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो औरत उन सिम्टम्स को मीनोपॉज से ही रिलेट कर रही हो। यू एज अ डॉक्टर यू हैव टू डायग्नोज, यू हैव टू प्रिडिक्ट दीज सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ मीनोपॉज। Consequences of estrogen loss, these are the menopausal symptoms. And again I tell you, as a junior doctor, आपको proactive होना है। Proactive का मतलब है कि इससे पहले कि वो problems ज़्यादा manifest हो, आप उनको diagnose करें और उनको treat करें। एक दफ़ा वो प्रॉब्लम शुरू हो गए और आपने रिएक्टिव बन के काम किया, वो तो सभी कर लेंगे, लेकिन एक अच्छी डॉक्टर जो कि मीनोपॉजल अवेयरनेस है जिसमें और जिसको पता है कि मीनोपॉज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं। इसमें से किसी भी सिम्टम से एक औरत आपके क्लिनिक में वॉक इन करती है विदाउट कंप्लेनिंग अबाउट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई रिपीट, she does not complain of menstrual cycle. She is coming to you कि मुझे बहुत mood disturbances हो रहे हैं, मुझे insomnia है, नींद नहीं आती, मुझे चिड़चिड़ापन है, मैं घर में सब किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मुझे बैठे बैठे बहुत गर्मी लगती है। तो psychiatrist is not the one who can treat her alone. It's you as a gynecologist जिसको मैनेज करना है। आप समझें कि ये estrogen loss के early symptoms हो रहे हैं और फिर आप उससे पूछें, हो सकता है उसको साइकिल्स आती हो, बिकॉज पेरीमेनोपॉजल सिम्टम हमने बताया था जो 5 to 10 ईयर्स बिफोर एमेनोरिया स्टार्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसको उस वक्त साइकिल्स आ रही हो लेकिन उसके क्लाइमैक्टिक फेज बिगिन हो गया। तो इन औरतों को हेल्प की ज़रूरत है। वो आके आपको कहती हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आप एंटी डिप्रेशंस अगर लिख के दे देंगी दैट मे हेल्प ऑल्सो, लेकिन वो उसका कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। सेकेंड जो कंप्लेन पेशेंट बता सकती है, वजाइनल एट्रोफी, डिस्पेरुनिया, ड्राइनेस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, रिपीटेड यूटीआईज, स्किन एट्रोफी, स्किन का लटक जाना, एंड यूजली 15 ईयर्स बाद वो खवातीन अगर आपके पास आई, बिकॉज यूजली दीज वुमेन, मोस्टली दीज वुमेन गो टू ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन एंड दे प्रिस्क्राइब HRT एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन अगर वो ऑर्थोपेडिक के पास नहीं गई, वो आपके पास आ गई और बोन पेन की कंप्लेंट करती है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ख्याल बहुत रखना है एंड मैनेजमेंट ऑस्टियोपोरोसिस करनी है। तो जब वो औरत क्लिनिक में, पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक एंड शी टेल्स यू कि शी इज 42 ईयर्स ऑफ एज एंड शी इज़ हैविंग हॉट फ्लशेज, शी विल नॉट टेक द नेम ऑफ हॉट फ्लशेज, वो कहेगी मुझे बैठे बैठे बुखार चढ़ जाता है। आपने कहा अच्छा बुखार थर्मामीटर पे आता है, शी सेज़ नो, बुखार थर्मामीटर पे नहीं आता है, बैठे बैठे मेरी पूरी स्किन रेड हो जाती है और AC भी चल रहा होता है तो आई फील हॉट। तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज़ हॉट फ्लशेस। सो वंस अ वुमेन इज कंप्लेनिंग ऑफ हॉट फ्लशेस या एनी ऑफ द सिम्टम्स आई हैव शोन यू बिफोर, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्फर्म दैट शी इज़ अ मीनोपॉजल पेशेंट। इफ़ शी इज़ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज then it's most probably menopause. Still, one test that confirms menopause is follicular stimulating hormone or serum FSH. Serum FSH should be done, if the patient is menstruating, then it should be done on day two or day three of a spontaneous cycle. This is very, very important. ये हमारी junior doctors और HOs and PGs बहुत ये गलती करती हैं कि जब पेशेंट आती है उसको एमेनोरिया है, देन दे गिव हर एनी प्रोजेस्ट्रॉन अवेलेबल इन द मार्केट, वेदर इट्स अ डाइड्रोजेस्ट्रॉन और नॉन एथेस्ट्रॉन एसिटेट, वो देती हैं, व्हेन शी ब्लीड्स उसका टेस्ट करवाती हैं। नहीं, प्लीज़ नहीं, डोंट डू दैट। दिस टेस्ट सीरम FSH हैज़ टू बी डन डे टू और डे थ्री ऑफ अ स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स दैट द पेशेंट हैड द मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट taking any medication, any progesterone or any estrogen. ठीक है? Secondly, if the patient is amenorrheic, that she is not having her periods for say 2 months, then any time after 2.5 months
of amenorrhea, this test can be done without doing any withdrawal. Okay, I'm sure it's clear. 2.5 months amenorrhea, you can just write a test FSH to confirm menopause. And if it is more than 30, it's confirmed that she is in menopause. She may be 40 years old or 35 years old, but FSH more than 30 means a menopause, which may be a premature menopause or a natural menopause. Osteoporosis is another complaint. These patients aati hain, bone pain, brittle bone, fractures. Again, we have to take care of the menopause. So now, management of the menopause. Because you all are doctors, you know the pathophysiology of the menopause. The patient is in your clinic, she's complaining of hot flushes. You gave her the test, FSH, it came out to be 87. She is in menopause. Okay, now what to do? First of all, the first thing is that you have to take the patient in confidence. मीनोपॉज के पेशेंट को दो मिनट में आप नहीं देख सकते. यू इफ़ यू डोंट हैव टाइम इन दैट क्लिनिक स्लॉट, कॉल हर आफ्टर वन और टू डेज व्हेन यू हैव टाइम एंड कॉल हर फॉर एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स. यू हैव टू एक्सप्लेन हर व्हाट मीनोपॉज इज, यू हैव टू एक्सप्लेन हर हाउ शी शुड टेक मीनोपॉज, व्हाट्स द वे ग्रेसफुली मीनोपॉज कैसे लिया जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मीनोपॉज, एंड देन यू हैव टू गिव हर एडवाइस ऑन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. दैट इज़ द मेन स्टे ऑफ मीनोपॉजल्स management. A healthy lifestyle may you advise the patient for exercise, for a walk, for healthy diet, means vegetables, fruits, less oily fruits. You advise her for do not put on weight. But if weight is more, then weight reduction will be very good. Waqt pe sona, waqt pe jaagna, increase intake of vitamin D, increase intake of calcium, usually a good brand calcium and vitamin D ampules aajkal बहुत अवेलेबल है. आप कोई भी एक अच्छा वाइटामिन डी प्रिस्क्राइब कर दें, विच शुड बी अकॉर्डिंग टू वाइटामिन डी लेवल. अगर वाइटामिन डी लेवल आजकल कहते हैं इट शुड बी अराउंड 50, 30 इज़ द बॉर्डर लाइन, लेकिन हमें 50 से 60 के बीच में वाइटामिन डी मेंटेन करना है. और वेन एवर यू आर गिविंग वाइटामिन डी विच इज़ गिवन वन पर वीक दैट एम्प्यूल, यू हैव टू गिव कैल्शियम डेली एंड अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज वाइटामिन डी मोबिलाइजेज द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. So if you do not, the patient do not have enough calcium stores, she'll again have bone pain. Then the patient needs psychological support. Definitely, a patient of menopause is depressed, is irritable, uske hormones sare ulte seedhe hue hain, up and down, ek hangama macha hua hai wahan pe hormones mein. आपको उसके हार्मोन्स को लेवल को सही करना है. आप पेशेंट को काम डाउन करते हैं, उसको समझाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल हेल्प यू मैनेज योर हार्मोन्स. And then comes the hormone replacement therapy. If the hormone replacement therapy is really needed, she needs a hormone replacement therapy, then again the mainstay of hormone replacement therapy is what is her presentation, what is her complaints. So each hormone is given for a different complaint. But before any prescribing any HRT, you have to completely scrutinize the patient, clinically evaluate the patient by history, examination and investigation to find out any contraindication to those hormone replacement therapy, to find out any related factors in which we cannot prescribe that hormone replacement therapy to that particular woman. इसके लिए आप उसकी baseline investigations करवाएंगी, which includes, you all know, CBC, blood sugars, renal functions, kidney functions, her other pap smear, transvaginal ultrasounds, to see her status of the ovary, uterus, endometrial thickness, any untoward intermenstrual bleeding, any untoward postcoital bleeding should not be a contraindication for HRT. Until you are doing workup on her for her HRT, you will avoid, help her in healthy lifestyle, tell her to take the tea and coffee less, to have her hobbies, a me time, book reading, कुछ भी, म्यूज़िक, डांसिंग, जो भी उसकी हॉबीज़ में हो, लेकिन दे शुड टेक अप सम हॉबीज़, दे शुड गिव अ टाइम टू देम सेल्व्स, दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ. अगर उनकी बेटी बेटा है तो आप उनको बताएं कि इनकी मेनोपॉजल सिम्टम्स समझें और इनको हेल्प आउट करें. ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैं बता चुकी हूँ क्या देना है. HRT इज़ मोस्ट ऑफ द HRT या कार्डियो प्रोटेक्शन है, लेकिन अगेन हम हर 15 minutes is very less to give a lecture on HRT. Each HRT has
its own pros and cons. So before giving any hormone replacement therapy, it should be informed choice, risks and benefit of taking HRT, and you as a doctor, we have to weigh the pros and cons of HRT. Hum pros and cons weigh karke us particular woman pe jo HRT usko suit hota hai karta hai wo hum usko offer karte hain. So it's not that one for all, it's a tailored management, and HRT has to be tailored individually, or the management has to be individualized for each patient. So prescribing HRT is an art, and for prescribing HRT you should know all the contraindications of HRT. The bleeding HRT kisme dete hain, non-bleeding HRTs kisme dete hain, hormonal therapy ke alawa non-hormonal therapy kisme dete hain. So that will be discussed in another lecture, because that will take another maybe 15-20 minutes. But the take home message is that whenever you are prescribing or you're thinking of prescribing HRT, before that, work up for the menopausal patient, give psychological support, help her for lifestyle change, her healthcare improvement, diet, exercise, walk, and try non-hormonal therapy till you get all the investigations, and then you can plan to prescribe HRT. Thank you so much.